हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिवटेक स्मार्ट। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए फिर से एक और एचपी का लैपटॉप लेके आया हूँ, लेकिन इस लैपटॉप को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सिमिलर है लास्ट ईयर लॉन्च हुई है एचपी 14S FQ1029 AU के, और जिसका मॉडल है HP 14S FQ1089AU जो आता है Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के साथ में। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं जैसा FQ1029AU ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म किया था, ये भी कर पाता है या नहीं। तो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार, यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। इस लैपटॉप की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं तो जनवरी 2022, और जो बॉक्स पे एमआरपी दी हुई है वो है 52,900 रुपीज। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कितने रुपये का मिल जाएगा। तो फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो फ्रेंड्स, ये लैपटॉप का फर्स्ट लुक, और इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो सेंटर में एचपी का लोगो दिया हुआ है, नेचुरल सिल्वर कलर मिल जाएगा। काफी कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप है। ओवरऑल इस लैपटॉप की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है। और फ्रेंड्स, अगर बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो वही आपको 65 वोल्ट का एडाप्टर मिल जाता है, एक इको फ्रेंडली यूजर मैनुअल और एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर केबल मिल जाती है। इसी के साथ इस लैपटॉप के पोर्ट्स भी देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। तो लेफ्ट साइड में मिल जाता है एचडी कार्ड रीडर स्लॉट, एलईडी इंडिकेटर्स दी हुई हैं, और राइट साइड में मिल जाता है पावर इनपुट का पोर्ट, पावर इंडिकेटर, 1 HDMI 1.4, 2 USB 3.2 टाइप ए के पोर्ट, 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जो आप डाटा ट्रांसफर में यूज कर सकते हो, और 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। और वहीं बॉटम में 2 रबर ग्रिप दी हुई है जो आपके लैपटॉप में हल्का से स्पेस बनाए रखती है, जिससे प्रॉपर एयर फ्लो होता रहता है, और काफी सारा एयर वेंट दिया हुआ है। और यहाँ आपको थर्ड पार्टी लोगो देखने को मिल जाता है। विंडोज 11 इस लैपटॉप में प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएगी। तो फटाफट इस लैपटॉप का बूट सेटअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस लैपटॉप का बूट सेटअप कर लिया है, और बूट सेटअप में वही 3 से 4 मिनट का टाइम ही लगा है। और इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस भी देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहले सीपीयू की बात करूं तो एमडी राइजन 3 5300U प्रोसेसर दिया हुआ है, क्लॉक स्पीड 2.6 GHz, और मैक्स बूस्ट टेक्नोलॉजी से आप इसे 3.8 GHz तक यूज कर सकते हो। 4 Core 8 Thread और 4 MB की कैश मेमोरी दी हुई है। तो प्रोसेसर काफी पावरफुल रहने वाला है। और इसी के साथ आता है एमडी रेडियन ग्राफिक्स 6 Core के साथ, जिसमें 512 MB की डेडिकेटेड और 4 GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। तो इस लैपटॉप में आप नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हो, फोटोशॉप, एडिटिंग, कोडिंग, सारे आप टास्क इसमें आसानी से रन कर पाओगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेमोरी की तरफ। तो 8 GB की DDR4 3200 MHz की रैम दी हुई है, और अगर आपको रैम को एक्सटेंड करना है तो आपको एक्स्ट्रा स्लॉट भी मिल जाएगा। आप इस लैपटॉप में 16 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, और जो रैम की कंपनी है वो है SK Hynix। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टोरेज ऑप्शंस की तरफ। तो 512 GB की PCIe NVMe SSD दी हुई है SK Hynix की। तो इस वाले लैपटॉप में रैम और SSD सेम कंपनी की दी हुई है, और अगर आपको स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो आपको 512 GB को रिमूव करके 1 TB तक आगे एक्सटेंड कर सकते हो। वहीं इसमें अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो फ्रेंड्स, यहां थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिला है। इसमें आपको वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 4.2 ही मिलेगा। तो मैं आपको नेट की स्पीड भी टेस्ट करा देता हूं, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डाउनलोड और अपलोड स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है। मेरा नेट का प्लान है 60 Mbps का। वैसे लैपटॉप और राउटर के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, इसी वजह से काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप में अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 14 इंच की फुल HD IPS ब्राइट व्यू डिस्प्ले दी हुई है, और वीडियो क्वालिटी आपके सामने आ रही है, काफी ऑसम वीडियो क्वालिटी देखने को मिल रही है। वहीं इसकी ब्राइटनेस की बात करो तो 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 45% NTSC कलर गैमेट दिया हुआ है। तो वीडियो क्वालिटी आपके सामने आ रही है, काफी ऑसम आपको वीडियो क्वालिटी इस लैपटॉप में मिल जाएगी। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो 3 साइड नैरो बेजल्स दिए हुए हैं, और सेंटर में आपको HP की ब्रांडिंग दी हुई है, और आगे की तरफ आपको फ्रंट फायर स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं। मैंने ऑडियो की क्वालिटी सुनी, काफी अच्छी सुनने को मिली, लेकिन वॉल्यूम थोड़ी आपको कम सुनने को मिलेगी। वहीं इस लैपटॉप में अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज नेचुरल सिल्वर कीबोर्ड दिया हुआ है, नम पैड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 14 इंच का लैपटॉप ही है। और फ्रेंड्स, मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी, इसमें बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है तो आप नाइट में भी अच्छे से वर्क कर पाओगे। और अब बात करते हैं इस लैपटॉप के ट्रैक पैड की। तो ये HP इमेज पैड दिया हुआ है जो मल्टी जेस्चर और प्रसिजन टच को सपोर्ट करता है। वहीं पाम रेस्ट पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोसेसर और ग्राफिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैं इसमें गेम प्ले करने जा रहा हूं। वैसे गेमिंग लैपटॉप नहीं है, फिर भी देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिलती है।
That's assault on top. Hey, hey! Stop okay. right now! Here we go! Let's go! I do not want to go to prison! Chill out. It's under control. Hello? No seatbelts? Let's go, Michael! Relax. I've got this. और जैसा कि मैंने इसमें गेम प्ले किया HD रेजोल्यूशन पे, तो मेरे को आराम से 50 FPS की फ्रेम रेट देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, ये कह सकता हूँ परफॉर्मेंस वाइज ये लैपटॉप काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप में वीडियो रेंडर करके देखते हैं। मैंने वही सेम फुटेज ऐड की है जो मैं हर लैपटॉप में ऐड करता हूँ, जिससे लैपटॉप की एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो रेंडर हो चुका है और जो टाइम लगा है 2 मिनट 10 सेकंड, तो मैं ये कह सकता हूँ इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसी में एक और सेम वेरिएंट आ रहा है 15.6 इंच में 2143 AU, उसमें टाइम लगा था 2 मिनट 30 सेकंड और आज इसमें टाइम लगा है 2 मिनट 10 सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस लैपटॉप में गेम प्ले किया, वीडियो रेंडर किया और अभी मैंने इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग भी की, तो कहीं भी मेरे को कोई लैग देखने को नहीं मिला। ओवरऑल यही कह सकता हूँ इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफ़ी औसम आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अब फाइनली इस लैपटॉप की बूटिंग स्पीड टेस्ट करने का टाइम आ गया है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो लैपटॉप को ऑन करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप बूट होने में टाइम लगा है ओनली 10 सेकंड का। इस लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी की बात करूं तो HP ट्रूविजन HD कैमरा विद इंटीग्रेटेड ड्यूल एरे के साथ आता है और मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए और क्वालिटी आपके सामने आ रही है, आपको एवरेज क्वालिटी ही देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था HP का 14 इंच का लैपटॉप। मैंने इसमें वीडियो रेंडर, गेम प्ले किया और इंटरनेट ब्राउजिंग की, कहीं भी मेरे को इस लैपटॉप में लैग देखने को नहीं मिला। ओवरऑल यही कह सकता हूं कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफ़ी औसम आपको मिल जाएगी। इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 3 cell 41 watt hour की बैटरी दी हुई है, तो आपको अराउंड 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इस लैपटॉप की अगर वेट की भी बात करें तो 1.4 kg का वेट दिया हुआ है, तो काफ़ी लाइट वेट है, तो आप इसे ट्रेवलिंग में भी कहीं भी आसानी से ले जा सकते हो। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये अभी ऑनलाइन पे लिस्टेड हुआ है 43,000 में और मेरे को कहने में कहीं भी कोई डाउट नहीं है 2022 का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप रहने वाला है ये। जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है फ्रेंड्स, बिना किसी डाउट के आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन में HP का 15S EQ2144AU लैपटॉप का रिव्यू किया था और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं जब इस लैपटॉप का रिव्यू करूंगा उसके बाद ही मैं सजेस्ट कर पाऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको 15.6 इंच का वो लैपटॉप आपको परचेज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप के रिगार्डिंग अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप लेना चाहते हो तो बिना किसी डाउट के आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है ये 43,000 में आ रहा है और अगर आप ऑनलाइन पे कोई ऑफर अगर आपको और मिल जाता है तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। EQ और FQ सीरीज अभी HP ने रिसेंटली लॉन्च की है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, EQ सीरीज के आपको Ryzen 3, Ryzen 5 या Ryzen 7 का कोई भी लैपटॉप परचेज नहीं करना है, क्योंकि उनमें SVA डिस्प्ले दी हुई है। आपको FQ सीरीज परचेज करना है, जैसा आपका बजट हो आप अपने हिसाब से परचेज कर लेना। अगर आप लोगों का बजट 45,000 के आसपास है और अगर आप कोई लैपटॉप सर्च कर रहे हो तो फ्रेंड्स बिना किसी डाउट के आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपको न्यू लैपटॉप्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।